ड्रामे जो आजकल जिस चैनल पे हम जाते हैं उसमें सिर्फ लड़ाई, साजिशी औरतें का किरदार, दामाद का सास के साथ चक्कर, साली का बहनोई के साथ चक्कर, वो ड्रामे जो हमारा कल्चर ही नहीं है, जो हमारे पास नहीं है। और उसके बाद मैं आपको एडवर्टाइज की बात बता रही हूँ कि अभी रिसेंटली लॉन की एडवर्टाइजमेंट आई है जिसमें लड़की ने आधे कपड़े पहने हुए उसका जिस्म निकला हुआ है। फैशन शो जो हम टीवी पर हुआ था वो भी वल्गरिटी में आता है, वो आप उसको अच्छा नहीं कहते। इधर हम कहते हैं कि लिबास जो है वो बेहतर होना चाहिए। कुरान में भी है कि लिबास औरत का ढका होना चाहिए, मर्द को अपनी आंखें झुकानी चाहिए। जब हम दीन इस्लाम की बात करते हैं और रियासत मदीना की बात करते हैं तो हमें ये छोटी छोटी चीजें, अब ड्रामों को तो छोड़े, अभी जो हमारी खबरें पढ़ने वाली खवातीन है उनके दुपट्टे सर से गायब हो गए, उनके सीनों से भी दुपट्टे गायब हो गए। आप मेहरबानी करें ये तो पाबंदी कराए कि जो 12 घंटे खबरें पढ़ती हैं वो अपना आपको ढांक के तो बैठा करें, ये तो मेहरबानी करें। खवातीन ने दुपट्टे अपने गायब कर दिए, नहीं है तो हम उनको गिफ्ट कर देते हैं। जी फरूख हबीब साहब, अच्छी बात है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस इस हवाले से कंसर्न हैं और यकीनन जो हमारे माशरे में जो इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं उससे यकीनन लोगों के माइंड्स के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ता है, और जो कंटेंट ऑफ द, चाहे वो ड्रामा है, कोई भी कम्युनिकेशन है, कोई भी एडवर्टीजमेंट है, उसको जो हमारे बुनियादी नज़रियाती एहसास है उसके मुताबिक होना चाहिए, उसके खिलाफ जो है वो नहीं होना चाहिए। और जिस तरह इन्होंने बात की कि बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जो कि हमारे माशरती जो इकदार हैं उससे हटके बन रहे हैं तो उसको भी देख लेते हैं। और ये पार्लियामेंट तो फोरम है, कलेक्टिव विजडम का फोरम है ना, इसके ऊपर तो जो है वो मजीद डिबेट होनी चाहिए और इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ जो है वो आरा इस मामले के ऊपर हो सकती है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा था कि हमने जो बुनियादी हमारे आइनी फंडामेंटल राइट्स हैं उसका भी ख्याल रखना है, लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं हो सकता, ये ठीक कह रहे हैं कि किसी सूरत भी जो है वो फहाशी को प्रमोट करने की जो है वो इजाजत नहीं दी जा सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की हदायत के ऊपर बनाए गए कोड ऑफ कंडक्ट है।